इस वक्त पूरी दुनिया में पुतिन के उस कारखाने की चर्चा हो रही है जिसे मौत वाली फैक्ट्री कहा जा रहा है। पुतिन ने इस फैक्ट्री में अपने रक्षा मंत्री को भेजा और फिर ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि जेलेंस्की को F-16 फाइटर जेट मिलने से पहले पुतिन ने बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। स्क्रीन पर पहली बार रूस का सबसे खतरनाक हथियार, ये हथियार कैसे तैयार हो रहा है, ये हथियार कितने बड़े पैमाने पर तैयार हो रहा है, ये सब देखकर पुतिन के दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। स्क्रीन पर पहली बार S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की फैक्ट्री देखिए। ये यूक्रेन के युद्ध में सबसे बड़े हमले की तैयारी है। कह सकते हैं कि ये नेटो के खिलाफ सबसे बड़ी जंग के लिए रूस तैयार बैठा है। स्क्रीन पर पहली बार देखिए S-400 की मिसाइल कैसे बन रही है। एक तरफ लॉन्चर और दूसरी तरफ मिसाइल, इन तस्वीरों में बहुत मसाला है। इन तस्वीरों को आप पुतिन की ताकत का सबसे बड़ा शो कह सकते हैं। पुतिन के इस खुफिया फैक्ट्री को देखकर अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। बाइडेन ने अपनी फैक्ट्री से रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है। बाइडेन को भी यकीन नहीं आ रहा कि पुतिन की मिसाइल फैक्ट्री में इतनी तेजी से काम चल रहा है, इसकी बहुत बड़ी वजह है। पुतिन ने अब जो मांगा है उन्हें मिला है। पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। इन हथियारों के साथ पुतिन ने यूक्रेन में बड़ा कहर मचाया है। बड़े बड़े शहर आज रूस के मिसाइल हमलों के रोज टारगेट बन रहे हैं और जमीनी ऑपरेशन के लिए भी जब पुतिन ने ज्यादा फौज मांगी तो रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने जो मांगा है पुतिन को वो मिला है। यूक्रेन के युद्ध में धीरे धीरे ही सही लेकिन रूस ने पकड़ और मजबूत बनाई है। पुतिन की तैयारी बहुत पुख्ता कही जा रही है। अब पुतिन की हथियार वाली फैक्ट्री 24/7 काम कर रही है जिसमें दिन रात ऐसे हथियार तैयार हो रहे हैं जो रूस को वर्ल्ड वॉर लड़ने में भी मदद करेंगे, ऐसा दावा पश्चिम देश की मीडिया का भी है। क्योंकि अब पुतिन को जेलेंस्की की तरफ से खतरा बहुत बड़ा है। यूक्रेन को F-16 मिलने जा रहा है तो दूसरी तरफ नाटो के फाइटर जेट भी रूस से लड़ने को तैयार हैं। इसलिए दुश्मन के लड़ाकू विमानों को रोकने के लिए पुतिन ने बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। F-16 रूस के आसमान में भटक कर भी ना आ पाए, इसके लिए पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री शोइगु को नई जिम्मेदारी दी। पुतिन ने सर्गेई शोइगु को S-400 की फैक्ट्री में भेज दिया ताकि ग्राउंड रिपोर्ट मिले कि कितनी मिसाइल तैयार हो गई है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली रूस की कंपनी अलमाज एंटी कॉरपोरेशन की ये फैक्ट्री एक सीक्रेट लोकेशन पर है जिसकी जानकारी नहीं दी गई। शोइगु आए तो उनके एक तरफ S-400 के कैनिस्टर तैयार हो रहे थे तो दूसरी तरफ उसकी एयर डिफेंस मिसाइल तैयार हो रही थी। इन तस्वीरों में बहुत जान है। इन तस्वीरों में युद्ध का पूरा बजट समझा जा सकता है। इन तस्वीरों में F-16 की मौत को भी देखा जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर F-16 का सामना रूस के S-400 से हुआ तो वो हमला करने से पहले ही मारा जाएगा। रूस का ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे बेहतरीन हथियार माना जाता है और भारत के अलावा चीन समेत कई देश इससे लैस हो चुके हैं। S-400 की मिसाइल 400 किलोमीटर की रेंज तक F-16 को मार सकती है, इसकी गारंटी खुद पुतिन देते हैं। इस वक्त ये मिसाइल फैक्ट्री सिर्फ S-400 ही नहीं बल्कि दो और तरह के एयर डिफेंस भी तैयार कर रही है जिनकी तैनाती पहले से यूक्रेन की जमीन या कहें कि डॉनबास के आसपास है, मारियोपोल में भी है और उन सभी जगहों पर है जहां पर यूक्रेन के फाइटर जेट और जेलेंस्की के ड्रोन हमले की फिराक में रहते हैं।
यहाँ S-400 के अलावा S-300 और S-350 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैयार हो रहा है। इसमें S-400 की रेंज 400 किलोमीटर से ज्यादा है, S-300 के आधुनिक वर्जन की रेंज 250 किलोमीटर है, वहीं S-350 की रेंज 150 किलोमीटर तक है। सर्गेई शोइगु ने पुतिन को रिपोर्ट भेज दी है और इस फैक्ट्री को दिए गए ऑर्डर और डेडलाइन के बारे में भी बता दिया है। इसी पर पुतिन की प्लानिंग निर्भर करती है। इसी तैयारी को देखकर पुतिन अपने अगले हमले का दायरा सेट करेंगे। पुतिन को इस बात का पूरा शक है कि खेरसोन में बांध पर हुए हमले के बाद ज़ेलेंस्की एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। और वो जवाबी हमले के नाम पर मॉस्को पर फिर से अटैक की तैयारी कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की के फाइटर जेट से लेकर उनके ड्रोन को मॉस्को तक आने से रोकने की तैयारी कैसी है, इसे समझने की जरूरत है। रूस का बॉर्डर ही नहीं, खास कैपिटल सिटी मॉस्को को बचाने के लिए बहुत ही पुख्ता एयर डिफेंस जोन बनाया गया है। इसमें सबसे बारी सर्कल को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बचाता है, जो विमान ही नहीं परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल को भी रोक सकता है। इसके अंदर का दायरा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम देखता है, जो मिसाइलों के साथ स्टेल्थ फाइटर को भी ट्रैक करके मार गिरा सकता है। इसके अंदर का दायरा बुक एयर डिफेंस सिस्टम और पांचसिर S-1 देखते हैं, ये दोनों पॉइंट एयर डिफेंस सिस्टम है। 2022 में युद्ध के बाद 2023 में पुतिन ने अपनी हथियार फैक्ट्रियों को दिन दूना रात चौगुना काम करने का आदेश दिया है और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। पुतिन की हथियार फैक्ट्री देखिए, इसमें टैंक भी बन रहा है, इसमें मिसाइलें भी तैयार हो रही हैं, इसमें ड्रोन भी बन रहे हैं और इसमें बम और गोला बारूद भी तैयार हो रहा है। इस फैक्ट्री में एक बड़े मिशन मोड पर काम चल रहा है। पुतिन यहाँ जरा भी देरी नहीं चाहते। पुतिन यहाँ हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे काम करवा रहे हैं। पुतिन का दावा है कि रूस का हथियारों वाला गोदाम हमेशा पूरी कैपेसिटी के साथ भरा रहेगा। पुतिन का कहना है कि फौज को जो पसंद है, फौज जिस हथियार से बेहतर तरीके से लड़ सकती है उसे वही सप्लाई किया जाए। इसलिए जब यूक्रेन के युद्ध में ज़ेलेंस्की नए नए हथियार दिखा रहे हैं, तब पुतिन उन आधुनिक वेपन सिस्टम को बहुत ही तैयारी के साथ खत्म भी करते जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले हथियारों ने रूस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। रूस का रक्षा मंत्रालय ऐसे ऑपरेशन के वीडियो भी जारी कर रहा है, जिसमें यूक्रेन के लंबी दूरी के हथियारों को तबाह किया गया है। इस ऑपरेशन में रूस ने सुखोई 25 फाइटर जेट के साथ कमो 52 भी इस्तेमाल किए हैं, जिनकी हवाई बमबारी में ज़ेलेंस्की के कई अड्डे उड़ गए हैं। साथ में मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से भी बारूद की बारिश की जा रही है। इन हथियारों से ऐसे अड्डों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर ज़ेलेंस्की के लॉन्ग रेंज वाले वेपन सिस्टम रखे गए हैं। पुतिन के सामने चैलेंज ये भी है कि वो अपने हथियारों की क्वालिटी से समझौता ना करें। अभी पुतिन की हथियार फैक्ट्री की ज्यादा डिटेल नहीं दी जा रही, लेकिन बाइडन की नजर इस पर है। ज़ेलेंस्की को भी खबरें मिल रही हैं। बाइडन से ज्यादा नजर तो यूरोप की है, क्योंकि यहाँ का प्रोडक्शन रेट तय करेगा कि पुतिन का युद्ध कितने दिन चलेगा। पुतिन इस रेट को 100% वाली गारंटी से बरकरार रखना चाहते हैं। हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा और असलहा तेजी से तैयार हुआ तो पुतिन ज्यादा दिन तक युद्ध कर पाएंगे और फिर यूरोप पर भी चढ़ाई मुमकिन है। पुतिन जानते हैं कि हथियारों का प्रोडक्शन थमा और गोला बारूद कम तैयार हुआ तो रूस का युद्ध और उनका नाटो के खिलाफ एजेंडा औंधे मुंह गिर जाएगा। पुतिन को अपने हथियारों की फैक्ट्री की पल पल की अपडेट चाहिए। पुतिन की नजर फैक्ट्री के उत्पादन पर है। पुतिन की नजर हथियारों की लॉन्चिंग और उससे थर्राते यूक्रेन के शहरों पर भी है। पुतिन नहीं चाहेंगे कि उनका प्रोडक्शन रेट गिरे। वो नहीं चाहेंगे कि हथियारों की फैक्ट्री खामोश पड़े। पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन पर उनके हमलों की रफ्तार थमे। पुतिन इस वक्त बहुत गुस्से में। रूस की वायुसेना से नेटो